खनियादानों में व्यापारी के घर हुई चोरी का जूतों से हुआ पर्दाफाश। पुलिस ने एक चोर को दबोचा, दो फरार। शिवपुरी जिले के खनियादाना में एक व्यापारी के घर हुई लाखों की चोरी का आज पुलिस ने खुलासा कर दिया है। इस मामले में पुलिस ने एक चोर को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से चोरी का माल बरामद किया है, जबकि इस मामले में अभी दो चोर और फरार हैं जिनको पुलिस सरगर्मी से तलाश कर रही है। दरअसल 3 और 4 जनवरी की दरमियानी रात बदमाशों ने पंकज जैन के यहाँ घर में घुसकर 90,000 रुपयों एवं हिसाब की बही से भरा काला बैग चोरी कर लिया था, जिसकी रिपोर्ट फरियादी ने पुलिस थाने में दर्ज कराई थी। पुलिस ने चोरी का मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी थी। इसी दौरान पुलिस को घटनास्थल से एक जोड़ी जूते चप्पल बरामद हुए थे, जिसके आधार पर पुलिस ने जांच की तो पता चला कि यह जूते सिमलार गाँव के कृष्णपाल उर्फ केपी यादव को अक्सर पहने देखा गया है, जो वर्तमान में पोठियाई में ही घर बना कर रह रहा है। तहकीकात करने पर ज्ञात हुआ कि घटना वाले दिन केपी यादव के घर पार्टी हुई थी। यहां अमोल लोधी, जो कि दविया जगन थाना पिछोर का रहने वाला है, जो आदतन अपराधी है और करीब 22 महीने जेल भी रहकर आया है, भी उपस्थित था। इसी सूचना पर पुलिस ने दबिश देकर अमोल लोधी को गिरफ्तार कर लिया, जबकि केपी और एक अन्य आरोपी अभी फरार हैं। पुलिस की गिरफ्त से मतलब आपने एक बार उसको पकड़ा, फिर आपने छोड़ा, फिर अब वो फरार है, तो आपको क्या लगता है कब तक वो पुलिस के पास? उसको हम शीघ्र गिरफ्तार कर लेंगे। उस पर भी पहले से चोरी का मुकदमा दर्ज है और वो आस्थान अपराधी है, जिसको शीघ्र पुलिस द्वारा गिरफ्तार कर लिया जाएगा। दो ही अपराधी सर, तीन है इसमें, एक अन्य और है। उसका कोई पुराना आपराधिक प्रकरण? जो एक अन्य अभी उसका नाम ये अमोल जानता नहीं है, तो अभी जितना है इसमें एक केपी यादव का नाम खुला है, अमोल गिरफ्तार हुआ है, और एक अन्य जो व्यक्ति है वो केपी यादव के गिरफ्तार होने पर उसका भी खुलासा हो जाएगा कि वो अन्य साथी इनका कौन थे। वो सबसे मुख्य बात क्या रही जो आपको चोरों तक ले गई? उन्होंने ऐसी क्या गलती की थी जिसपे आपकी सख्ती सुई गई थी? सबसे मुख्य बात तो ये थी कि उनके द्वारा मौके पर ही अपने जूते एवं चप्पल जो है छोड़े गए थे, और जो फरियादी परिवार है उनसे काफ़ी कई दिनों तक जो है लगातार उनसे बैठ करके, पुलिस ने बैठ करके बातें की, उनसे कुछ सूत्र मिले, और जब चप्पल की और जूते की पहचान स्थापित हुई तो उस आधार पर जो है पुलिस ने उनसे पूछताछ करना शुरू करी। संबंधित के घर पर भी गए, वहाँ पता चला कि इनकी एक घटना वाली रात को यहाँ पर पार्टी हुई थी, जिसमें ये लोग वहाँ पर अमोल और केवी वहाँ उपस्थित थे, और पुलिस के वहां पहुंचने के बाद पाया गया कि घटना वाले दिन से फरार हैं, इसलिए इन पर संदेह पुलिस का बढ़ता चला गया।